नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। दृशा आचार्य देओल परिवार की बहू बन चुकी हैं। उन्होंने सनी देओल के बेटे करण के साथ शादी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दृशा और करण देओल बचपन से ही दोस्त हैं और काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दृशा आचार्य के पेरेंट्स का नाम चीमू आचार्य और सुमित आचार्य है और बिमल रॉय की वो पर नातिन है। दृशा आचार्य मुंबई में पेरेंट्स के साथ रहती हैं और पेशे से एक ट्रैवल कंपनी में नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। लगातार उनकी शादी इन दिनों सुर्खियों में थी। आपको बता दें कि अब संपत्ति को लेकर के भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। दृशा आचार्य की मम्मी 1998 में दुबई चली गई और वहाँ मिडल ईस्ट की एक नामी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में प्रोमोटर बनकर के काम करने लगी। इसके बाद दृशा आचार्य ने भी अब अपनी जो शुरुआत है बिजनेस की वो यहीं से की। आपको बता दें कि सनी देओल की बहू दृशा AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि इनकी जो नेटवर्थ है वो करोड़ों में। आपको बता दें कि वह एक टेक स्टार हैं और मशीन लर्निंग पर फोकस करती हैं और साथ ही दृशा टेक और बिजनेस की दुनिया में खूब नाम कमा रही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो वह एक लेटेस्ट ट्रेंड्स पर कई स्पीच भी दे चुकी हैं। वहीं अगर संपत्ति की बात करें तो दृशा आचार्य की नेटवर्थ 20 करोड़ रुपए की है। दृशा आचार्य के पति यानी करण देओल एक एक्टर हैं। साल 2019 में उन्होंने फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। दृशा से शादी करके करण देओल फूले नहीं समा रही हैं। लगातार सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें करण देओल अपनी पत्नी के साथ कभी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं तो कभी अपने पिता के साथ वो नाचते हुए भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, कहा, तुम ही मेरा आज और सारे कल हो, एक नए सफर की शुरुआत। और इसी के साथ ही शादी की कई तस्वीरें भी शेयर की।